हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण में हम अव्यय के सबसे अंतिम भाग यानी विस्मयादिबोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय का यह चौथा रूप होता है और आज अव्यय से संबंधित आपके प्रकरण समाप्त हो जाएंगे, यानी अव्यय से संबंधित यह आपकी चौथी क्लास है। ठीक है, पहला हमने पढ़ा उसमें क्रिया विशेषण को ढंग से समझा, क्रिया विशेषण विशेषण में अंतर जाना, क्रिया विशेषण संबंध बोधक में अंतर सीखा। ठीक, आज हम सबसे अंतिम पढ़ लेते हैं विस्मयादि बोधक। हम अव्यय में भी पढ़ते हैं, इसके साथ ही साथ जब मैं आपको वाक्य पढ़ाऊंगा तो वाक्य के अंतर्गत भी विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं, वहां पर भी इनका प्रयोजन होगा और उनको भी हमें पढ़ना होगा, क्योंकि वाक्य आपके सिलेबस में है। यूपी ट्रिपल एससी का जब आप सिलेबस देखोगे तो उसमें रचना के आधार पर मिश्र और सरल और एक आपका जो बनता है, ठीक, तीन यौगिक तरीके से, वो तीन तरीके से यौग आपसे पूछेगा ही पूछेगा, संयुक्त वाक्य जिसको बोलते हैं, तो इन तीनों की पहचान होनी चाहिए। अर्थ के आधार पर वहां वाक्य नहीं पूछता है, लेकिन हम थोड़ा जान लेंगे उनके बारे में। आज यहां पर सीखिए, तो जितने भी मित्रगण हैं उन सारे लोगों को यह मालूम है कि ये सभी क्लासेस टीम की ओर से 10+ कोर्सेस के अंतर्गत आप सभी को निःशुल्क दी जा रही है। इसमें जेल वार्डन परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, या यूपी ट्रिपल एससी पीईटी को लेकर जो गंभीर अभ्यर्थी हैं, या लोअर मेंस को लेकर जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपका उत्तर प्रदेश एसआई है, ऐसी किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं जहां हिंदी अनिवार्य विषय के तौर पर पूछी जा रही, उन सभी में यह लेक्चर आपका रामबाण साबित होगा। बस आपको बहुत ढंग से, ठीक है, अपनी मना स्थित को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके, लगातार हर दिन के लेक्चर को पूरी तरीके से समाप्त करते हुए पढ़ते रहना है। ठीक है, आप अपने आसपास के नकारात्मक जो तत्व हैं उन पर ध्यान ना दें, आपको भटकाने वाले बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, अरे कुछ नहीं वैकेंसी वगैरह वगैरह आनी है, पढ़ाई वगैरह से क्या मतलब है। हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जो मैं आपको बार बार नसीहत देता हूं वो ये है भैया कि सफलता हमेशा पहले की तैयारी से मिलती है। आप तत्काल तैयारी करके कभी सफलता नहीं अर्जित कर सकते हो। ठीक है, कम से कम 4 महीने आपको अपना बेस मजबूत करने में लगता है, तो जब तक ये कोर्स आपका चल रहा तब तक ढंग से पूरे सिलेबस को कवर करिए। जब पाठ्यक्रम तैयार हो जाए, आपकी तलवार में धार बन जाए, तब तो कहीं लड़ने के लिए जाओगे। यहां क्या है, अपने यहां मानसिकता, फॉर्म आ चुके, फॉर्म की डेट घोषित हो जाए, उसके बाद 10 दिन जब बाकी हो तब हम जाकर के परीक्षा में सीधा पार्टिसिपेट करें। तो ये चीजें थोड़ी सी क्या है, ये नुकसानदायक है, और इसी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। फिर बोलना होता है कि यार ये सर सिलेक्शन नहीं हो रहा। इसीलिए सारे वीडियोस जो आपको निःशुल्क दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ आप हर एक क्लास की अगर नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, उसके लिए आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए, जिसमें आपको डेली बेसिस पर हर एक क्लास की पीडीएफ और उसके साथ हर एक क्लास की आपको क्विज मिलती रहेगी। ठीक है, पीडीएफ के लिए 3 महीने का आपको मिनिमम प्लान लेना है। ये 3 महीने का प्लान 499 में 499 रुपए में 3 महीने तक वैलिड होगा। ठीक, तो इतनी बड़ी राशि भी नहीं है कि आप सहयोग राशि ना चुका सके। कोई भी समस्या होती है, किसी भी टेस्ट सीरीज में आपको पार्टिसिपेट करना है, कोई भी क्रैश कोर्स हमारा लेना है, उसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, यूपीएससी का ईपीएफओ चल रहा है, आप सभी को मालूम है। आपके जो मित्रगण हैं जिनको मटेरियल जो है कहीं से नहीं मिल रहा, उनको क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए बोलिए, टेस्ट सीरीज और मटेरियल सब कुछ दे रहे। अभी आपके यूपीपीएससी की भी डेट आ चुकी है, प्री की भी, तो जो लोग प्री की तैयारी कर रहे उनको टेस्ट सीरीज चाहिए, एक अच्छा मटेरियल चाहिए, अच्छा नोट्स चाहिए हर विषय की, वो हमारे क्रैश कोर्स से जोड़ सकते हैं। जिनको यूपीपीएससी बीएओ की प्री परीक्षा देनी है, वो प्री जो है बीएओ के लिए प्री क्रैश कोर्स से हमारे जोड़ सकते हैं, वहां संपूर्ण मटेरियल और जो है आपको अच्छी खासी टेस्ट सीरीज हम दे देंगे। तो जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, लोअर मेंस का जो है ऐप पर लगा हुआ है पेपर, वहां से आप दे सकते हैं। जेल वार्डन का अभी बहुत जल्दी जो है टेस्ट सीरीज आने वाली है, इसके लिए आप इंतजार करिए, और समय समय पर जो है टीम आगे भी ऐसे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती रहेगी, क्रैश कोर्स चलाती रहेगी, जिससे कि आपको नोट्स वगैरह की समस्या कभी भी आगे ना आए। पढ़ाई करनी है तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है सर कौन सी किताबें पढ़ लें। भैया हम जो नोट्स दे रहे हो पढ़ लो, 10-12 किताबों का निचोड़ है अच्छे अच्छे राइटर का। ठीक, इसको पढ़ोगे तो जो चीजें आप बहुत ज्यादा मेहनत करके अर्जित करना चाह रहे हो वो चीजें आपको हम नोट्स के माध्यम से दे रहे हैं। ठीक, एक गुणवत्तापूर्ण नोट्स है, उनको पढ़िए, ढंग से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम पढ़ते हैं विस्मयादिबोधक। तो यथा नामे जथा गुणे को, ये भी आपका
पूरी तरीके से फॉलो करता है, ठीक अनुसरण करता है। विस्मयादि बोधक जो अव्यय होता है, इसमें विस्मयादि यानी ऐसे जहां पर आपको शब्द मिले जो हर्ष घृणा शोक ठीक उल्लास ऐसे भावों को व्यक्त करने में प्रयुक्त होते हैं, ये आपके विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो किसको दिखाए, आप बड़े हर्ष में है प्रसन्न है ठीक है, आप दुख में है उस भाव को दर्शाए, आप जो है प्रसन्नचित हैं इस भाव को दर्शाए, आप जो है उल्लास में हैं इस भाव को दर्शाए, इन सारे भावों को आपके अंदर घृणा जो है घृणा है इस भाव को दर्शाए ठीक, प्रेम को दर्शाए, ऐसे चीजों को दर्शाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय बोलते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये अव्यय कभी भी कहीं भी कैसे भी प्रयुक्त होंगे तो इनमें कोई भी लिंग वचन काल कारक के अनुसार इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये अव्यय के अंतर्गत आते हैं। समझ गए, क्योंकि अव्यय की परिभाषा क्या है कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक इन सभी का कोई प्रभाव ना पड़े वो आपके अव्यय होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसी को बेहद ढंग से समझना है, और इनके विभेदों को देखो भैया, जब इनके विभेद के बात करते हैं ठीक है कि अव्यय के विभेद कितने होते हैं विस्मयादि में, तो विस्मयादि में आपको कई किताबों में 8 लिखा मिलेगा ठीक है, कई किताबों में 10 लिखा मिलेगा, और कई जगह पर 11 लिखा मिलेगा, 3 आपको माने मिलते हैं, आपको 7 भी लिखा मिल सकता है। तो जो चीजें ऑथेंटिक होती हैं 10 मान के हम चलते हैं कि इसके 10 भेद मिलते हैं। देखो भैया जैसे भाव अपने अंदर उत्पन्न होते हैं वैसे ही तो हम उनको प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो जो भाव हमारे अंदर है इन्हीं भावों के आधार पर इनका विभाजन किया जाता है, इनका विभेद किया जाता है। तो उन्हीं के आधारों पर 10 भी माने गए हैं, 8 भी माने गए, 11 भी माने गए। हम आपको पूरी चीजें पढ़ा दे रहे हैं, 11 होती हैं, 11 हम आपको बता दे रहे हैं, एक एक को बहुत ढंग से समझना है, बहुत नाम मात्र का अंतर होता है जिससे कि इसमें आप तुलनात्मक भी बोल सकते हो कि हम तुलनात्मक रवैया अपनाते हैं, तो इनमें इन विभेदों को आसानी से समझ पाते हैं। अब मैं एक एक चीजें आपके सामने वाक्यों में प्रयुक्त जो उदाहरण है जैसा पूछा है, क्योंकि UP SSC ने यह भी सवाल पूछा, ऐसा नहीं आप छोड़ सकते हो कोई भी सिलेबस, अरे ये तो जो है बहुत लंबा सिलेबस हो गया, ये थोड़ी पूछेगा, UP SSC चुन चुन के पूछता है ठीक है, कहते नहीं चुन चुन के मारूंगा, तो वैसे वो दौड़ाता है। इसीलिए UP SSC की अगर परीक्षा दे रहे हो तो TCS के पैटर्न को बहुत ढंग से समझ लेना ठीक है। TCS आपकी परीक्षा ये करवाती है, और जब से ये करवाने लगी है तब से हर एक आपके पाठ्यक्रमों में बदलाव और पूछने का जो तरीका होता है इनमें बहुत बड़ा आपको एक बदलाव देखने को मिलेगा। तो बदलाव के अनुसार अपने आप को तैयार करना होता है, उस अनुसार अपने आप को तैयार रखिए ठीक है। तो चलिए एक एक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने परिभाषा और उनके प्रयोग को लिखा है, परिभाषा मैंने बता दी कि ऐसे शब्द जो वाक्य में किनको दर्शाएं, आश्चर्य हर्ष शोक घृणा आदि भाव व्यक्त करें, वो विस्मयादि बोधक होते हैं। विस्मयादि बोधक का चिन्ह हम ये प्रयुक्त करते हैं ठीक है, नीचे बिंदी लगा देते हैं खड़ी जो है पाई में, जैसे अरे ओह शाबाश काश ऐसे शब्द जहां मिले, ये सभी शब्द आपके विस्मयादि बोधक के उदाहरण बनेंगे। वाक्य में प्रयुक्त करके समझ लो क्या उदाहरण है, जैसे पहला शब्द आया अरे आप कौन हो, अरे प्रभु आप कौन है ठीक है, तो वही चीजें क्या आती हैं। अब यहां अरे मतलब कुछ तो अचानक से ऐसा हुआ कि जब आपके जुबान से यह शब्द निकल आया ठीक है। दूसरा शब्द है हे राम, ये कैसे हुआ, आपने सुना कि किसी का जो है एक्सीडेंट हो गया, अब आपके मुंह से निकलता हे राम ये कैसे हो गया। अब यहां पर दुख के लिए शब्द निकला आपके मुंह से वच हुआ, ऐसे एक शब्द जो है मान लीजिए आप कोई ऐसा काम कर दिए समाज में जो समाज बड़ा घृणित नजर से उस काम को देखता है तो आपको क्या बोलेंगे, धिक्कार है तुम्हें ठीक है। तो ऐसे शब्दों का जहां प्रयोग हो वहां समझ जाना कि ये विस्मयादि बोधक है। अब इनके भेद समझ लो भैया, 10 भेद होते हैं। पहला होता है क्योंकि आप शोक भी दर्शाते हो, तिरस्कार भी दर्शाते हो, भी मैंने बोला नहीं धिक्कार है तुम्हें, तो वो क्या है, तिरस्कार है। अगली चीज समझो स्वीकृत बोधक, यानी जो चीज आप क्या करते हो मानते हो, विस्मयादि बोधक भी इसका बहुत भेद है, संबोधन भी है, हर्ष है, भय है, आशीर्वाद है, अनुमोदन बोधक है, विदास बोधक है और विवस्ता बोधक है, यह इनके
भेद माने जाते हैं 10, मैंने 11 यहां लिखे हैं क्योंकि मुझे 11 आपको समझाने हैं। चलिए बात करिए पहला 8 जहां आता है, ठीक है, मानक 8 है, 8 लेकर चलते हैं। शोक बोधक क्या है? शोक बोधक जहां वाक्य में हे राम, बाप रे बाप, ओ उफ, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, ठीक, ये शब्द आपके शोक को दर्शाते हैं, शोक की भावना व्यक्त करते हैं। जैसे हे राम, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, बड़ा परेशान हो गए, बाप रे बाप, अब मेरा क्या होगा, अब यहां पर भी अब परेशान हो गए, ठीक है। तो ऐसे शब्द जहां पर आपके मुंह से निकले, समझ जाओ कि शोक बोधक शब्द आपके मन मस्तिष्क से जो है प्रकट हुए और फिर आपकी जुबान के माध्यम से वो व्यक्त हुए, ठीक है। अगली चीज समझिए, दूसरा होता है तिरस्कार बोधक। समाज में ऐसा काम कर दिए कि बड़ी थू थू हो गई, कहते नहीं समाज में यार किरकिरी करवा दिए हो, तो ये सब क्या होता है, ये शब्द तिरस्कार बोधक, जब वाक्य में छी थू थू, धिक्कार, हट, धिक, धत, चुप आदि शब्दों का प्रयुक्त हो, जहां पर ऐसे शब्द आए जिससे आपको धिक्कार मिले, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो होता है ये विस्मयादि बोधक के अंतर्गत, किसका, तिरस्कार बोधक के अंतर्गत होता है। जैसे छी कितनी गंदी जगह है ये, दूसरा है अगर तुम यह भी नहीं कर सकते तो धिक्कार है तुम पे, क्या पढ़ाई, पढ़ो भैया, हम नहीं कहते धिक्कार है तुम पे, हम जानते अच्छे लोग हो। अगला है चुप, लगता है कोई आ रहा है, ठीक है, जैसे बात कर रहे हो, प्लानिंग बना रहे हो, यहां चलना है, वहां चलना है, दीवालों के कान होते, किसी ने सुन लिया, ठीक, और आपको उसके पदचाप की आहट हुई तो आप बोलेंगे चुप, कोई आ रहा है। अगला है तीसरा, इसका भेद स्वीकृत बोधक। तीसरा भेद स्वीकृत मतलब किसी चीज को जब आप अपनाते हैं तो वहां ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनसे पता चलता कि आप किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं। जैसे जब शब्द मिले अच्छा, ठीक, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा जी, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग हो तो आप समझ जाना कि आप किसी चीज को मान रहे हो, स्वीकार कर रहे हो। जैसे अच्छा फिर ठीक है, बोलते नहीं, अच्छा फिर ठीक है, तुम यही चाहते हैं तो फिर ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर ठीक है, मतलब आपने मान लिया। ऐसे तीसरा है जी हां, मैं ही वह बंदा हूं, जी हां मैं ही हूं खलनायक, देखा है नहीं, क्या बताएं, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है चौथा संबोधन बोधक, ठीक है, जहां पर आपको किसी को पुकारना हो तो उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कौन से शब्द, जब आप प्रयोग करते हो शब्द का, ठीक है, का हो, कैसन बाड़ी, जानते हो नहीं भाषा, सब आगे पढ़ाएंगे हिंदी में। दूसरा शब्द आता अजी, अजी सुनते हो, ठीक है, तीसरा है ओ, ठीक है, रे, री, अरे, अरी, हेलो, हेलो हाय तो जानते ही हैं, फोन पर होता है, ऐसे शब्दों का जहां प्रयोग हो जाए वहां समझ जाना है कि ये सब संबोधन के लिए हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण को समझ लो, अजी सुनते हो, अरे जरा रुको तो सही, बोलते नहीं, अरे जरा रुको तो सही भाई, हेलो आप कौन बोल रहे हैं, जो फोन पर आप बोलते हैं, ठीक, ऐसे शब्द आए, ये सब संबोधन के लिए, किसी को बुलाने के लिए, किसी को पुकारने के लिए है। चौथा भाव अपने अंदर आता है हर्ष का, और चौथा जो इसका प्रकार, मतलब पांचवा प्रकार बनता, ये हर्ष बोधक। जब आपको शब्द कैसे मिले, वाह वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है, ऐसे शब्द मिले, अति सुंदर, आहा, ये सारे शब्द जहां पर आपको वाक्यों में प्रयुक्त होकर मिलने लगे, वहां समझ जाना कि इन शब्दों का प्रयोग हमने हर्ष की भावना को व्यक्त करने के लिए किया है, इसीलिए ये सभी आपके क्या होंगे, हर्ष बोधक के अंतर्गत आएंगे। जैसे आहा, या बहुत अच्छा हुआ, शाबाश, तुमने यह कर दिखाया, ठीक है, वाह, ये तो किसी अजूबे से कम नहीं, ऐसे शब्द जहां मिले वहां समझ जाना कि इससे हर्ष का हमें बोध हो रहा, हर्ष बोधक है। छठा होता है भैया भय बोधक, जब आपको डर लगता है तो बोलते नहीं, बाप रे बाप, ओह हाय, उई मा, त्राय त्राय, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग हो तो ये किसको, भय बोधक को दर्शाते हैं, भय की भावना को दर्शाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हाय, अब मेरा क्या होगा, उई मा, क्या होगा, ठीक है, ऐसे ये है, बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप, ठीक है, ऐसे शब्द आए तो आप वहां पर क्या चीजें आती है, वहां डर लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला शब्द है सातवां, आशीर्वाद। आशीर्वाद भैया याद रखना, एक तो वर्तनी में पूछता है, ठीक है, और दूसरा यहां इसका विभेद होता है, सातवां जो है आशीर्वोधक होता है, आशीर्वाद बोधक, यानी जहां पर
कि नहीं, वाक्य में आपको ऐसे शब्द मिले, जीते रहो, खुश रहो, सदा सुखी रहो, ऐसे शब्द जहां भी आएंगे, दीर्घायु हो, बोलते नहीं चिरंजीव भव, सतायु भव, ऐसे शब्द जब आपको मिले तो समझ जाना ये आशीर्वाद बोधक है। समझ गए? जैसे बोलते नहीं सदा खुश रहो बेटा, ठीक है, जीते रहो पुत्र, तुम्हें कामयाबी मिले, तो हम भी बोलते हैं जीते रहो पुत्र, कामयाबी मिले, ठीक है, ढंग से पढ़ो भैया, सिलेक्शन होगा ही। सफलता का नाम क्या है? निरंतरता। जिस व्यक्ति के अंदर निरंतरता है, किसी काम को करने का धैर्य है, किसी काम में जिसका लगाव है, वही व्यक्ति सफल होता है। सफलता की यही परिभाषा है, और थोड़ी है। पता चलता है एक दिन जोश जग गया, कहीं से मोटिवेशन लेक्चर देख लिया, आज पढ़ डालेंगे, और सुबह जो है 4 बजे तक पढ़ाई हुई, अगले 2 दिन तक सो रहे, बस हो गई सफलता। निरंतरता अपने अंदर लाइए, धैर्य लाइए, 2 घंटे पढ़ो लेकिन हर दिन पढ़ो, यही चीज सफलता के मानक होते हैं। आठवां बोल रहा विस्मयादि बोधक, जैसे जब वाक्य में अरे, क्या, ओह, सच है, ऐसे शब्द मिलने लगे, तो वहां पर आपको क्या मिलता है? आश्चर्य की भावना को प्रकट करने का आपको एक नजरिया पैदा होता है, और यही चीजें क्या होती है, यह आपकी हर जो है विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते। जैसे अरे यह क्या हुआ, अरे तुम कब आए भाई, हम आश्चर्य में पूछते अरे तुम कब आए, तो ऐसे शब्द जहां पर मिले वहां समझ जाना आश्चर्य बोधक। अगला होता है अनुमान बोधक, जहां पर आपको ऐसे शब्द मिले जिनमें आपको यह लगे ठीक कि हम किसी चीज पर अनुमान जता रहे अपना, वहां पर ऐसे शब्द होते हैं। जैसे वाक्य में मिल जाए हां, बहुत अच्छा, अवश्य अवश्य, ठीक, बोलते नहीं है ऐसे शब्द, तो ये जो शब्द हम बोल रहे हैं ये सब अनुवाद बोधक की एक क्या होती है, भावना प्रकट होती है अनुमोद बोधक की, ठीक है। आगे बढ़िए, जैसे अवश्य तुम यह कर सकते हो, बहुत अच्छा, अब आगे जाकर दिखाओ, ठीक, ये अनुमोदन बोधक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, दसा जो भैया होता है विदास बोधक। अब कहोगे ये गुरुजी कैसा शब्द आ गया, देखो विदास का मतलब होता है जब आपको ऐसे शब्द, अच्छा अच्छा जी, इसीलिए विदास बोधक को, ठीक है। और जो आपका होता है क्या, जो हम किसी चीज को मानते हैं स्वीकार बोधक को, इन दोनों को एक के अंतर्गत कर देते हैं, ठीक है, अधिकतर जगहों पर। अगली चीज जैसे टाटा, अब हम जाते हैं, अच्छा फिर मिलते हैं, इन सभी को आप देखें, इन सभी में विदास की भावना, विदा, ठीक, विदास की मतलब विदा की भावना दर्शाई जा रही। अगला 11 नंबर है व्यवस्था बोधक, ठीक है, व्यवस्था बोधक में जब वाक्य में काश, कदाचित, जहां आपको व्यवस्था जो है मिले उसकी भावना व्यक्त हो, वहां समझ जाना कि यह व्यवस्था बोधक है। जैसे काश मैं भी यह कर पाता, हे भगवान अब मेरा क्या हाल होगा, ये शब्द जो है ये व्यवस्था बोधक को दर्शा रहे हैं, ठीक है, व्यवस्था को दर्शा रहे। तो यहां पर जितने भी आपको शब्द मिलेंगे, मतलब इसके उदाहरण के तौर पर, वो वाक्यों में जहां होंगे वहां स्पष्ट होगा कि इस वाक्य का भाव क्या है। अगला इसका एक भेद पढ़ लेते हैं भैया, ठीक, अच्छा ये तो 11 नंबर व्यवस्था बोधक था, तो ये है आपके 11 इसके विभेद बनते जो मैंने आपको समझाया। 10 भी होते हैं, मानक 10 होता है, ठीक, 8 भी लिखा मिलता है, तो इस अनुसार जैसा होता है, इसीलिए मैंने आपको सभी पढ़ा दिए कि मान लो परीक्षा में जैसे आते हैं उस अनुसार आपको जानना चाहिए। तो इसके आगे भैया अब अगला जो पॉइंट होगा, जैसे हम शब्द, हमने आपको वर्ड पढ़ाया, वर्डमाला बहुत ढंग से पढ़ाया, ठीक है, वर्डमाला के बाद मैंने आपको संधि पढ़ा दी, संधि के बाद मैंने कितने चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है, ये 20वां लेक्चर शायद मेरा होगा। मैंने सबसे पहले आपको वर्ड पढ़ाया है, उसके बाद वर्णमाला के बारे में ढंग से पढ़ाया, उसके बाद वर्णों का मेल पढ़ा रखा है, ठीक है, ये सभी लेक्चर आपको 10+ कोर्सेज में हिंदी के अंतर्गत मिल जाएंगे। वर्णों के मेल के बाद मैंने शब्द आपको बहुत ढंग से पढ़ाया है, शब्दों के जितने भी भेद बनते हैं, 5 जो है 4 तरीके से जो शब्द बनते हैं, हर एक के जो पार्ट होते हैं, उन सभी को पढ़ा दिया है। अब हमारा अगला जो जो है गंतव्य होगा, चूंकि हमने शब्द पढ़ लिया, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा व्याकरणिक कोटियां, ठीक है, तो आगे जो आपका सेशन होगा, व्याख्यान होगा, उसमें हम व्याकरणिक कोटियों के पढ़ेंगे, क्योंकि UP SSSC में अलग से लिखकर आता है, आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें व्याकरणिक कोटियों को अलग से लिखता है, 9 तरीके की होती है, ठीक है, इन सभी को हम अच्छे से आगे कवर करेंगे। तो मस्त होकर पढ़ते रहो, हर एक चीजों को समझते रहो, आज समझ ले तो आने वाली परीक्षा में तभी सफलता मिलेगी भैया, ठीक है, इसीलिए तैयारी बिना किसी नकारात्मक बातों को सोचते हुए आराम से मस्त होकर पढ़ो, ठीक है, कान बंद कर लीजिए अगर सफल होना है, कहते हैं सफल होने के लिए बहरे बन जाओ,
तो वो चीजें आपको करना पड़ेगा। लगातार निरंतरता अपने आप में रखो, ढंग से पढ़ाई करो, जरूर सफल होंगे। यही मानक आज तक जितने सफल व्यक्ति हुए हैं उनका रहा है, तो आप भी होंगे, सत्य है ये। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक बार नए सेशन के साथ। सभी का धन्यवाद।